तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों साथ निभाना साथिया FM गोपी यानी कि देवलीना भट्टाचार्य को आज कौन नहीं जानता है। फैंस देवलीना भट्टाचार्य की अदाओं की और उनके चुलबुले अंदाज, उनकी बेहद प्यार भरे अंदाज के दीवाना जो हो चुके थे साथ निभाना साथिया सीरियल के जरिए। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इस सीरियल में बेहद ही संस्कारी दिखने वाली एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य ने हर घर में उनकी इसी संस्कारी अदाओं के लिए जानी जाती है। देवलीना अपनी इसी संस्कारी अदाकारी के जरिए काफ़ी ज़्यादा फेम हासिल कर चुकी है और आज की इस वीडियो में हम सब देवलीना भट्टाचार्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आखिर तक ज़रूर देख लेना और वीडियो को देखने के बाद आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप और कौन कौन से साउथ और बॉलीवुड मूवीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम आप लोगों के लिए ला सके उन सारे फिल्मों का अपडेट्स। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि हाल ही में एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य का एक बेहद ही शानदार और ज़बरदस्त लुक देखने को मिला है। उस दौरान एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य पिंक कलर की रफल ड्रेस पहने हुए नजर आई है। डायमंड हेयर रिंग्स पहने हुए, डीप नेक वाला ये रफल ड्रेस पहने हुए नजर आई है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य ने अपनी इस हॉट एंड बोल्ड लुक से लोगों को अपने और भी ज़्यादा दीवाना बना दिया है और आज की इस वीडियो में हम सब इसी को लेकर बात करेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आखिर तक ज़रूर देख लेना। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स सबसे जल्दी और सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन प्रेस करके। दोस्तों अगर बात करें एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य के ओवरऑल लुक के बारे में तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि देवलीना भट्टाचार्य ने अपने इस रफल गाउन में अपने डीप नेक की वजह से बार बार अपने कावी क्लीवेजेस शो करते हुए नजर आई है। हालांकि वो अपने इस बोल्ड ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही थी और मुस्कुराते हुए नजर आई है। अपने सिंपल मेकअप और अपने हाई स्लिट पोनीटेल के वजह से देवलीना ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी है। आप सभी को बता दूं कि देवलीना ने अपने इस बोल्ड गाउन के साथ अपने इस पूरे लुक को कंप्लीट करने के लिए हाई हील्स नहीं बल्कि स्पोर्ट शूज कैरी किया हुआ है। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि कितने शानदार अंदाज में एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य पिंक कलर की स्नीकर्स कैरी किया हुआ है। आपको बता दूं कि देवलीना भट्टाचार्य ने हाल ही में यह खुलासा किया है कि उन्हें कितने मुश्किलें हुए हैं टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में। दोस्तों आपको बता दूं कि अब जल्द ही एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य बॉलीवुड मूवी में नजर आने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य के वर्क फ्रेम के बारे में तो दोस्तों उन्होंने साथ निभाना साथिया शो से काफी पॉपुलैरिटी हासिल किया है। शो में गोपी बहू के किरदार में देवलीना को फैंस का बेशुमार प्यार मिला है। दोस्तों आपको बता दूं कि टीवी के पॉपुलर शो बिग बॉस के कई सीजन में देवलीना
नजर आ चुकी है और दवलीना अब जल्द ही बॉलीवुड मूवी स्वर सबके सपने प्रीटू में नजर आने वाली है। बॉलीवुड में काम करना दवलीना का सपना है और अब दवलीना एक बॉलीवुड मूवी में नजर आने वाली है और इसी के साथ दवलीना अपने मूवी के पोस्टर के सामने पापाराजी को पोज देते समय नजर आई है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप टीवी के संस्कारी बहू गोपी का ये बोल्ड एंड ग्लैमरस अवतार आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों किसी भी नए और पुराने हॉलीवुड बॉलीवुड और साउथ मूवीज को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करें, आपको वहां पर मिलेगी नए और पुराने हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज। तो दोस्तों आप लोग अगर बंगाली समझते हो तो हमारे बंगाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहां पर मिलेगी बंगाली रैंडम वीडियोस। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए बंगाली रैंडम वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी एक दूसरी बड़ी अपडेट्स में, तब तक के लिए आप रखिए अपने और अपने परिवारों का ख्याल। तो चलता हूँ दोस्तों आज के लिए अलविदा।